गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैनेज ऑटो वेरिफिकेशन स्टेटस, इसको ऑन करना है, किस तरीके से करना है और ऑन करने से होता क्या है। तो आप वीडियो को बस पूरा एंड तक देखें और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बेसिकली इसे हम ऑन ऑफ तो कर लेंगे लेकिन इसके ऑन करने से होता क्या है, ये काम कैसे करता है, तो वही आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैनेज ऑटो वेरिफिकेशन सेटिंग, ये बेसिकली फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट में जाना है और उसके बाद फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है तो ये आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए, गैलेक्सी M31 मेरा डिवाइस है जो कि ऑन है। अब मैनेज ऑटो वेरिफिकेशन स्टेटस या फिर चेक कैसे होगा। अब मान लीजिए एक गूगल अकाउंट है आपका और ये दो डिवाइस है। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में आप इस डिवाइस के अंदर अगर इस जीमेल अकाउंट को ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करना होगा, मतलब कोई कोड नहीं आएगा या फिर आपको कोई भी जो है मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं देना होगा, तो वो यहाँ से आपका जो है बच जाएगा। बाकी आपको पासवर्ड तो डालनी ही होगी, विदाउट पासवर्ड तो लॉगिन होगा नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं मतलब अपने आप को वेरीफाई करने के लिए वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा ये ऑफ है रियलमी पे ऐड करके। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा मतलब अगर मैं उस डिवाइस में भी इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो वो लॉगिन हो जाएगा पासवर्ड डालने के बाद। लेकिन अगर ये ऑफ रहेगा तो पासवर्ड के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी होगी, जैसे OTP डालनी है मोबाइल की या फिर जिस डिवाइस में लॉगिन है उसका हमें एक्सेस वगैरह देना होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा।